देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मैं इस डॉक्टर हाथी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेके रहूंगा। आ जाओ। अरे क्या बदला लगा रखा है? डॉक्टर तो तुम्हारा सम्मान, हम पुलिस वाले भी इनका सम्मान करते हैं। ये लोगों की जिंदगियां बचाते हैं और तुम जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की जिंदगी के पीछे पड़ो, शर्म आनी चाहिए। और क्या करूं, जो मेरे भाई की हालत का जिम्मेदार है उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? इसकी गलत दवा की वजह से मेरे भाई की हालत बिगड़ी है, अस्पताल में बेहोश पड़ा है बेचारा, पर आप कह रहे कि मैं इसे छोड़ दूं? डॉक्टर हाथी, क्या ये सच बोल रहे हैं? इसके भाई के हालात के जिम्मेदार आप हैं? पांडे जी, मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ। इनके जो भाई है चिंतामणि जी, थोड़ी दिन पहले ही हमारी बगल की सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मेरे वो नए पेशेंट बने। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। उनकी तबियत की तरह उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, फिर भी उनको हमेशा लगता था कि वो बीमार है। ओह, तो उनको गलतफहमी रहती है कि वो बीमार है। हाँ, वो बिल्कुल फिट थे, फिर भी रोज मेरे क्लिनिक पे दवाई लेने आ जाते थे। अब कोई बीमार ना हो तो मैं उसको दवाई कैसे दे सकता हूँ? आज भी उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो ठीक है। डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, ऐसी जिद पकड़ के बैठे थे। तो मैंने उनकी तसल्ली के लिए दवाई दे दी। ऐसी दवा दे दी जिसकी वजह से अस्पताल में भी बेहोश पड़ा है मेरा भाई। मुंबई पुलिस है, उसको हक है सवाल पूछने का। डॉक्टर हाथी, आपने चिंतामणि को दवाई दी? सही बात है। चलो फाइनली पता चलेगा कि हाथी भाई ने कौन सी दवाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दवाई आपने चिंतामणि को दी, वो दवाई खाने के बाद चिंतामणि की हालत खराब हुई। नहीं नहीं, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? मेरा भाई बीमार नहीं था, फिर भी तूने उसे दवाई दी और आज वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है, क्या ये गलत बात नहीं है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब चिंतामणि एकदम ठीक था तो हाथी भाई ने उन्हें दवा क्यों दी? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। सच में हाथी भाई की दवाई से चिंतामणि बेहोश हुआ होगा तो हाथी भाई फंस जाएंगे। हाँ यार, वो तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लगता है हाथी भाई से गलती हो गई होगी, शायद उन्होंने गलत दवाई दे दी होगी। लेट्स होप ऐसा ना हुआ हो। हाथी भाई ने ना दवाई नहीं देनी चाहिए थी। अरे एक मिनट शांत रहो यार, ये क्या है आप लोगों ने आपस में खुचुर लगा के रखा है? केस बहुत सीरियस हो चुका है, लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ बोलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी अंदर कीजिए, ये सामने से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। एकदम फिट आदमी को दवाई देकर अस्पताल पहुंचा दिया इन्होंने। अरे एक मिनट, मुंबई पुलिस है ना यहाँ पर, वो बात करेगी, उसको क्या एक्शन लेना है उसकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं, समझे? हाँ तो डॉक्टर हाथी, आपकी एक गलती से एक स्वस्थ आदमी अस्पताल में पहुंच गया है। नहीं नहीं पांडे जी, ये भी गलत बात है। मैंने वो जो चिंतामणि जी को दवाई दी थी ना, वो बच्चों की दवाई थी। क्यों की दवा? बच्चों वाली दवा? हाँ, वो बच्चों की दवाई हीरो पावर की होती है। क्या है ना कि बच्चों को दवाई खाने से डर लगता है, तो बच्चों का डर भगाने के लिए ये दवाई देते हैं।
ये दवाई बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, तो इसे खाने से बच्चों का दवाइयों का डर भाग जाता है। राहती, हो सकता है उसी दवाई के कारण चिंतामणि को रिएक्शन हुआ होगा और उसके कारण वो बेहोश हो गए। नहीं नहीं पांडे जी, मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ, किसी का नुकसान हो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये जीरो पावर वाली गोली जीरो नुकसान करती है, इससे किसी को रिएक्शन हो या कोई नुकसान हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं।